मुझे आज पता चला बंटी से शादी करके मैंने कितनी बड़ी भूल की है। ममता तुझे कम से कम दिन में 25 बार पता चलता है कि बंटी से शादी करके तूने कितनी बड़ी भूल की है। अरे तब तो मैं उसके प्यार में आंधी हो गई थी, मुझे क्या पता था बंटी इतना कंजूस निकलेगा। ममता बंटी को पिक्चर्स तू ही दिखाया करती थी, डिनर पे तू ही ले जाया करती थी, गिफ्ट खरीद खरीद कर तू ही देती थी, तब भी तुझे एहसास नहीं हुआ कि बंटी कंजूस है और कंगाल है। अरे तब मैं उसके प्यार में। अब बोल आज क्या हुआ। बंटी ने मेरा पॉकेट मनी बंद कर दिया। ममता मैंने कल तुझसे कहा था इतनी शॉपिंग मत कर, इतनी शॉपिंग मत कर, महंगी पड़ेगी। अरे क्या बात करती है, मैं पति को छोड़ सकती हूँ लेकिन इतना बड़ा डिस्काउंट मैं नहीं छोड़ सकती। तो फिर भूख तो और क्या। मधु मैं तुझसे पैसे उधार मांगने आई थी, जैसे बंटी मेरा पॉकेट मनी शुरू कर देगा मैं तेरे पैसे वापस लौटा दूंगी। ममता हम औरतों को इस आर्थिक गुलामी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, वरना डिस्काउंट सेल्स होते रहेंगे और हम उन्हें देख देख कर घुट घुट कर मरते रहेंगे। कभी कभी तो दिल करता है बहुत बड़ा डाका डालूं। आइडिया क्या, हम लोग डाका डालेंगे। अरे नहीं यार, अब तक तो सिर्फ हम खरीदते थे, अब हम बेचेंगे। मतलब ममता तुझे याद है कल हम जिस दुकान में डाका डालने गए थे, मेरा मतलब है शॉपिंग करने गए थे, सुना है वो दुकान वाला अपनी दुकान एक एक हफ्ते के लिए किराए पर देता है, उसपे कोई भी अपना एग्जीबिशन और सेल लगवा सकता है। अरे कितनी सारी औरतें रेडीमेड गार्मेंट्स का बिजनेस करती है, तो हम क्यों नहीं शुरू कर सकती। अरे लेकिन पैसे कहाँ से लाएंगे। अरे पहले दुकान तो तय कर ले, उसके बाद पैसों का भी बंदोबस्त हो जाएगा। ओहो ममता दीदी क्या पक रहा है। सैंडी वी नीड यू। व्हाट फॉर यार। वो क्या है कि हम रेडीमेड गार्मेंट्स का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो तू वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड्स को ले आना और उनसे हमारे कपड़े खरीदवाना। अरे वाह। अच्छा दीदी मुझे ये बता कमीशन कितना मिलेगा मुझे। ए, मैं तेरे से लॉजिंग बोर्डिंग के पैसे लेती हूँ क्या, जो तू मुझसे कमीशन मांग रहा है। हे दीदी आप जो करती है ना वो प्यार के लिए करती है, मैं जो कर रहा हूँ वो बिजनेस है और मैं बिजनेस में प्यार शेयर को बीच में नहीं लाता। ठीक है पहले अपनी गर्लफ्रेंड्स को ले आ, उसके बाद पैसों का देख लेंगे। ठीक है लेकिन मैं 10% से कम में काम नहीं करूंगा। देखा ममता सारे मर्द एक जैसे होते हैं। एनीवे चल हम दुकान तय कर लेते हैं। मैं चेंज करके आती हूँ जल्दी। बंटी बहुत दिन हुआ है हमने अपनी बीवियों को कुछ गिफ्ट नहीं दिया यार। हाँ ममता। हाय बंटी। ओए तू सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ बोल क्या कह रहा है तू। मैं कह रहा था कि एक अरसा हो गया हमने अपनी बीवियों को कुछ गिफ्ट नहीं दिया। अरे तू अरसे की बात कर रहा है चंपू, मैंने तो लाइफ में कभी अपनी बीवी को गिफ्ट नहीं दिया। हाँ एक बार गिफ्ट दिया था। क्या? नेल कटर। नेल कटर क्यों? अब तू तो जानता है चंपू शादी से पहले मेरे कितने चक्कर चलते थे। शादी से पहले चक्कर की वजह से बार बार ममता मेरा मुंह नोच लेती थी, इसलिए सेफ्टी के लिए नेल कटर दे दिया। यार बंटी वो लोग हमारी फिक्र करती है, देखभाल करती है, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। अरे वाह हम भी तो उनको पॉकेट मनी देते हैं, हालांकि ममता आजकल इतना खर्चा करती है मैंने तो पॉकेट मनी भी बंद कर दिया। बंटी तुम कितने बुरे हो। चले काम करते हैं, आज उनके लिए कुछ गिफ्ट ले जाते हैं, उन्हें सरप्राइज देते हैं। ये चंपो तुझे जो करना है कर, मैं अपनी बीवी को बिगाड़ना नहीं चाहता समझा। अच्छा ठीक है उसे बात तो कर ले। हाय ममता। बंटी मैंने सब कुछ सुन लिया है। क्या तू खड़ा मैं देखती हूँ। हेलो मिस्टर छाबड़ानी। अरे हेलो साई, बोलो मैं आज आप लोगों को क्या दूं। अरे हमें तो आपकी पूरी दुकान किराए पर लेनी है एक हफ्ते के लिए। बड़ी तो आप लोग भी एग्जीबिशन कम सेल लगाना चाहते हैं। क्या है कि हर रोज का भाड़ा 10,000 और 7 दिन का 70,000 पूरा एडवांस में। अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ हमने दूसरी दुकानों में भी पूछा, 5,000 से ऊपर नहीं बोल रहे। बड़ी तो उनसे बात कर लो ना। अरे मिस्टर छाबड़ानी कुछ तो कम कीजिए। अरे बड़ी साई मिस्टर छाबड़ानी कम नहीं करता। एक्सक्यूज मी। यस। मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं। एक मिनट साई। बड़ी भाई अरे धंधे का टाइम है, आप लोग बाद में बात कर लेना। ये साई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे इन सारे सैंपल के 50 पीस चाहिए। बड़ी इतना ही साई। आज के लिए इतना काफी है, कल 100-100 के ऑर्डर दे जाऊंगी। हाँ मगर दाम जरा सोच समझ के बताइएगा। अरे साई आपसे ज्यादा क्या लूंगा, 200 रुपए में पर पीस 350 लेता हूँ, आपके लिए पर पीस 300 रुपया। एक बार में 50,000 से भी ऊपर की सेल हो गई। कपड़े आप इस एड्रेस पे भेज दीजिए, पेमेंट अभी कर दूंगी। अरे बिकर ले जाइए साई। बाय बाय। छाबड़ा नहीं तो आपने क्या तय किया हो। अरे तय तो आप लोगों को करना है, हमने तय कर लिया। पता था एडवांस 50% ही दे पाएंगे। अरे नो प्रॉब्लम साई, वो 50% बुकिंग के टाइम और बाकी के 3 दिन के बाद साई। तो हम आपके दुकान पर से लेंगे और एडवांस हम कल दे जाएंगे। बड़ी साई वो बाई कौन थी जो इतना बड़ा ऑर्डर दे के गई। अरे भाई वो तो बहुत बड़ी एक्सपोर्टर है ना साई, हर दूसरे दिन 50-60 हजार का माल खरीद लेती है। सुमार, 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 सुमार।
ऊपर से उससे भी कमजोर है तेरा दिल, ज्यादा फायदे का सोचेगी तो तेरे को हार्ट अटैक हो जाएगा। बस अब चंपक और बंटी को पटाना है। नहीं नहीं, हम उनसे मदद नहीं मांगेंगे। क्यों? तुझे याद है ना पिछली बार जब हमने अचार का बिजनेस शुरू किया था हा? तो उन्होंने हमें कितना डिस्करेज किया था। ये लीजिए मेरी तरफ से। क्या? 5 रुपए? अरे मेरी तरफ से बिजनेस कंट्रीब्यूशन यार, ऐश करो। ए, हम पार्टनरशिप नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मैं और ममता बिजनेस करने वाले हैं। ममता, हम बैंक से लोन लेंगे। लेकिन हमें कौन सी बैंक लोन देगी? बैंक ऑफ माला माल। 5 साल से हमारे पति हमें पीट रहे हैं। पीटते पीटते तो हमें आदत हो चुकी है। हम दुखियारी औरतों का दर्द आप समझती है ना भला? औरत औरत का दर्द नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? शबाना जी शूटिंग में बहुत बिजी थी, इसलिए हमने सोचा कि हम आपके पास आए ताकि आप हम अबला औरतों की मदद कर सके। तुम दोनों ने बहुत ठीक किया बहना, मेरा पति भी मुझे पीटता है। क्या? कितनी बार? रोज 2 बार। एक बार प्यार करने के पहले ही और एक बार प्यार करने के बाद। हमारे पति तो हमें नाश्ते के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद और ब्रेक के बाद भी पीटते हैं। और छुट्टी के दिन तो हर 1 घंटे के बाद हमारी पिटाई होती है। और होली और दिवाली के दिन तो खुशी के मारे हमें पीटते रहते हैं। I understand. इसलिए हम आपके पास आए ताकि आप हमें लोन देकर फिर से हमारे टूटे कमजोर पैरों पर खड़े होने की हिम्मत दे सके। जरूर मैं आपकी मदद करूंगी। मैडम, मिस्टर चंपक दीक्षित आपसे मिलना चाहते हैं। मिसेस बल्ला, ये चंपक दीक्षित है ना, ये मेरे पति के दूर के रिश्तेदार हैं। अगर उन्होंने हमें यहाँ पर देख लिया ना तो हमारी नाक कट जाएगी। बहुत भले आदमी है। Yes, what can I do for you? मैडम, मैं अपनी बीवी के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाना चाहता हूँ, इसलिए विड्रॉवल करना था लेकिन अकाउंट में उतने पैसे नहीं है। अगर आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। बीवी को गिफ्ट देना चाहते हैं आप? बेशक, आप जैसी पति आजकल है कहाँ, जिसे देखो बीवी को पीटते रहते हैं। छी 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 छी, कितनी बुरी बात है। तो अपनी बीवी को पीटता है क्या? मैं तो अपनी बीवी को फूल से भी नहीं छूता। मैडम, बीवी तो पलकों में सजा कर रखने के लिए होती है। और बीवी इतनी खुश नसीब कहाँ, काम हो जाएगा। थैंक यू मैडम। आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। पहले आप हाथ से विड्रॉ कीजिए। माय प्लेजर। एक मिनट चलो। मैडम, मैं भी अपनी बीवी को गिफ्ट देना चाहता हूँ। लोन खत्म हो गया। अरे, आपके रिश्तेदार तो बहुत ही भले हैं। वो सब देखा हुआ है। क्या कहा आपने? नहीं, आप हमें लोन देने वाली थी ना मिसेस भल्ला? हाँ हाँ, कल आकर आप पैसे लेकर जाना। थैंक यू। चंपक दीक्षित। मधु, हे मधु। क्या है? तुम्हारे लिए सरप्राइज। क्या है इसमें? देखो तो। ये तो वही कीमती सेट है जो उस दिन मैंने ज्वेलर के पास देखा था। और आज से ये तुम्हारा है। थैंक यू चंपक, थैंक यू। मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। क्या, तुम भी मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाई हो मधु? नहीं तो? मैं रेडीमेड गारमेंट्स का एग्जीबिशन और सेल लगा रही हूँ, मैं और ममता दोनों साथ में। मतलब तुम दोनों गारमेंट्स का बिजनेस शुरू करने वाली हो मधु? हाँ। अरे हाँ क्या, शहर में सबकी बीवियाँ यही बिजनेस कर रही है। तुम्हें पता है मार्केट में हर दूसरी दुकान रेडीमेड गारमेंट्स की होती है, तुमसे कपड़े खरीदेगा कौन? दैट्स माय प्रॉब्लम एंड इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। याद रखना। याद रखूंगी। सुबह से इस औरत को छोड़ के 22 मक्खियां, 6 चूहे और 7 कॉकरोचों के सिवा यहाँ कोई नहीं आया। भाई आई थी ना, वो आज आने वाली है। वो भाई आती है, हम उसे पटाते हैं। उसे हमारे चेहरे पर से ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये बिजनेस हम पहली बार कर रहे हैं। समझी? Excuse me. आपके चेहरे से लग रहा है कि आप पहली बार ये बिजनेस कर रही हैं। अरे क्या बात कर रही हैं आप? हमारा चौथा
लेकिन आपके लिए ओके, ये सब पैक कीजिए और मेरे घर भेज दीजिए। पैसे सब दे दूंगी। पता नोट करने की क्या जरूरत है? आपके पहले भी यहाँ पे थे, वो मुझे हर रोज के 500 रुपए देते थे। 500 रुपए? बड़े कस्टमर क्या चीज देने के लिए? मैं बाकी कस्टमर के सामने बड़े बड़े ऑर्डर दे देती हूँ। ना मुझे कुछ खरीदना पड़ता है, ना मुझे पैसे देने पड़ते हैं, सिर्फ अपने 500 रुपए लेने और जाना है बस। आपने जो ऑर्डर दिया था वो सब झूठ था? बिल्कुल झूठ था। कल आना है? देखिए सोच लीजिएगा। ममता, हम बेवकूफ बन गए। इस छाबलानी से पैसे वापस ले लेते हैं। ममता, मुझे नहीं लगता वो छाबलानी पैसे वापस देगा। वो इसी तरह तो मुर्गियों को फंसाता होगा जिस तरह हमें फंसाया है। क्या करें ममता, अब ये सोच के अब हम चंपक और बंटी को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे आइडिया। ये सब क्या है मधु, बचे हुए कपड़े? अरे बचे हुए नहीं, मैंने खरीदे हैं। खरीदे हैं? लेकिन तुम तो ये कपड़े बेचने के लिए गई थी। अरे मैंने मधु से खरीदे हैं और मैंने ममता से खरीदे हैं। क्या मतलब, तुमने एक दूसरे को कपड़े बेचे? So what? कम से कम हमने बेचे तो हैं। Fantastic! तुम दोनों इसी तरह एक दूसरे को कपड़े बेचती रहो और एक दूसरे से खरीदती रहो। Yes! Wonderful! Great! बिजनेस करने चलिए। जाओ जाओ अंदर जाके रोटी पकाओ, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम खुद ही जाकर अपनी रोटी पकाओ, मैं भी दिन भर काम करके आई हूँ, समझे? यार ये कह रहा है सैंडी, तेरी वो गर्लफ्रेंड्स का क्या हुआ जो हमारे कपड़े खरीदने आने वाली थी, एक भी नहीं आई। वो क्या हुआ ना दीज, उन सबने कहा कि तुम खुद ही कपड़े खरीद के हमको गिफ्ट में दे दो। ए दीज, थोड़े पैसे उधार दे दो ना प्लीज, मैंने अपनी नौकरी लगते ही आपको विद इंटरेस्ट वापस कर दूंगा। बाय गॉड। हां सॉरी सैंडी, मैं बिजनेस में प्यार मिक्स नहीं करती। बिजनेस, माइंड योर बिजनेस। भैया मैं बहुत देर हो गई, अभी तक वो कालिया का आदमी नहीं आया। हाँ यार, मैं भी वही सोच रहा हूँ। क्या भाई, लगता है इंस्पेक्टर जाम शांडेकल अपुन को ही ढूंढ रहा है। अब क्या करें? एक मिनट, एक काम करते हैं। कालिया चुप चुप। अरे कालिया कहाँ है तू यार, हम लोग कब से राह देख रहे हैं। पैसे लेके खड़े हैं, माल लेके आ रहा है ना तू? क्या बस नहीं मिल रही? कन्वेंस क्या बीवी को देगा? यार सुन, यहाँ पे बहुत बड़ा लोचा हो रहा है यार, पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। एक काम करते हैं, मिलने की जगह बदल देते हैं। हमारे सामने माधुरी एम्पोरियम है, वहाँ पे मिलते हैं। हाँ, दुकान वाले को हम लोग संभाल लेते हैं। क्या पके भाई? हाँ। अच्छा वहाँ मिलने की जगह बदल दी। हाँ। वैसे भी मुझे शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग? बंटी हमें देखना चाहिए कि हमारी बीवियों का बिजनेस कैसे चल रहा है। यू आर राइट चंपू, कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों मिलके हमें पूरा डुबाते। हाँ? अरे उन्हें बिजनेस करना थोड़ी आता है। और कमाल है, बिजनेस करने से पहले हम जैसे एक्सपर्ट्स की राय तो लेनी चाहिए। क्या समझती है वो दोनों अपने आप को? यार इससे पहले कि वो हमें भेज दें, जाके देखते हैं। चल अच्छा, तेरे पास जेब में पैसे वैसे तो है ना? हाँ, क्यों नहीं, कहीं बैठ के सोचते हैं ना। यार ये सोचने के लिए बैठना क्यों पड़ता है? सोचने के लिए बैठना क्यों पड़ता है, वही सोचते हैं ना बैठ के। चल। सुबह से कुछ बिजनेस नहीं हुआ। हाँ रे, और हम लोगों ने जो पेपर में ऐड दिया था वो भी नहीं आया। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। ममता, तू उन पेपर वालों के सर पर जाकर बैठ जा। हाँ बैठ जाती हूँ। क्या? हाँ अभी आती हूँ। बहुत देर हो गई, अभी तक वो कालिया माल लेके नहीं आया। कब से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ने तो यहीं पे बुलाया था ना, अब यही टाइम पास करना पड़ेगा। क्या करेंगे? मैं देख रही हूँ 20 मिनट से तुम दोनों सिर्फ देख रहे हो। ये सिर्फ एग्जीबिशन नहीं है, सेल भी है। यहाँ पर खरीदना भी पड़ता है। कुछ पसंद आया कि नहीं? ठीक है, ये दीजिए। वेरी गुड, देखिए इन्होंने पसंद किया, आप भी कुछ पसंद कीजिए अपनी बहन के लिए, बीवी के लिए, माँ के लिए। माँ? क्या माँ? क्या हुआ? माँ के लिए ये ले दे दो। आप माँ के लिए सिर्फ एक ड्रेस? अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, माँ के लिए सिर्फ एक ड्रेस? हाँ ये भी दो, ये भी दो। इनकी दुकान तो अच्छी चल रही है। सिर्फ दो कस्टमर्स इतना सारा माल खरीद रहे हैं, तो शाम तक कितना माल बिकेगा? शाम तक तो माल के साथ दुकान भी बिक जाएगी। आप भी कुछ पसंद कर लीजिए ना अपने माँ के लिए। मैडम, अगर मैंने ये ड्रेस खरीद लिया ना, तो मेरी माँ उसे पहन नहीं सकती, ऊपर चली गई है। I'm so sorry. तो फिर अपनी बीवी के लिए खरीद लीजिए। वो उसके साथ चली गई है। ममता से ये दुकान किराए पर ले लेंगे, अब उनको भाड़ा देंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। लोग
कालिया का बच्चा है ना, हमें मरवा देगा। हाँ, 10 लाख रुपए लेके घूम रहे हैं, ऊपर से इंस्पेक्टर भी हमारे पीछे पड़ा है। अरे वो छोटा यार, ये देख, ये ड्रेस मैं मेरे गर्लफ्रेंड के लिए ले लूं। अरे तू तो ऐसे शॉपिंग कर रहा है जैसे कि एक कल दुकान यहाँ से भाग जाएगी। कल का क्या भरोसा, अगर आज मैं किसी एनकाउंटर में मर गया तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि मैंने गर्लफ्रेंड के लिए कुछ ले लिया। ऐसा कौन देगा तेरा बाप? नहीं आप तेरी तो लेकिन क्या वो मान जाएंगी? कैसे नहीं मानेगी, हम बाजू ऑफर देंगे ना। प्रॉफिट में 50% उनका। 50%? हाँ, और भाड़ा भी। भाड़ा भी? अरे फिर हमें क्या बचेगा? बच जाएगा ना कुछ ना कुछ। चल चल चल। ये लीजिए मैडम, आपका पेमेंट। थैंक यू, उम्मीद है कि आप दोबारा आएंगे। दोबारा क्यों, अभी हमको और भी कपड़े देखने हैं। अगली बार मैं मेरे मम्मी को लेके आऊंगा। मम्मी को लेके आएंगे। हेलो मधु। हेलो मधु, कैसे चल रहा है बिजनेस? हमें बिजनेस करना कहाँ आता है, हम तो सिर्फ रोटियां पकाने के लायक है। नहीं डालिंग, वो तो मैंने मजाक में कहा था। दरअसल हम लोग एक धांसू प्रपोजल लेकर आए। जल्दी बोलो। वो ऐसा है मधु कि मैं जल्दी तू बोल। पक्का मधु, हम लोग सोच रहे थे कि बाकी के 3 दिनों के लिए तुम ये दुकान हमें दे दो, 50% प्रॉफिट और दुगना भाड़ा देंगे। नो थैंक्स। अब 3 गुना भाड़ा? नो थैंक्स। 4 गुना भाड़ा? नो थैंक्स। अरे यार चल चलते हैं। एक मिनट, 4 गुना होगा तो फिर ठीक है, पर सारे पैसे एडवांस में चाहिए। अरे अभी दे देंगे एडवांस में, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जल्दी ओके एडवांस में। चंपू साइन करो। अभी करता हूँ। ये अब ये दुकान हमारी है। हमारी है। Have fun. Yeah. Bye. पके भाई, आपके लिए कैसा रहेगा? अरे गधे, ये लेडीज है। हा? तो मेरे मम्मी के लिए लेता हूँ। चंपू मम्मी पके भाई, ये लो माल लाया। अरे कालिया कहाँ मर गया, कब से तेरी राह देख रहा है। अरे यार कपड़े खरीद खरीद के पैसे खत्म हो गए। टैक्सी नहीं मिल रही थी ना। कन्वेंचर चोल। अरे चंपू, अपनी दुकान में पकिया भाई और काटर। अरे पकिया अरे काटर तू भी आया। दीज आप ये दुकान छोड़ के कहाँ जा रही हैं? अरे सैंडी, मैंने वो दुकान ही छोड़ दी, मैंने 4 गुना भाव में चंपक और बंटी को दे दी। वैसे भी उस दुकान में कोई कस्टमर नहीं आया करता था यार, सिर्फ गुंडे आते थे। वो कंगाल क्या 4 गुना देंगे दीज? आज सुबह में जिज्जू के बैंक में गया था, उनका बैलेंस तो -10,000 है। क्या? हाँ? तो फिर उसने मुझे ये चेक कैसे दिया? बॉस ये चेक तो रबर का है। मतलब इसको डालते ना बाउंस करेगा। वो तो उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया। चंपक और बंटी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। दीज क्या करेंगे आप? आइडिया, मैं उनको हवाला के ऐसी हवा खिलाऊंगी। फॉलो मी। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं मिसेस माधुरी दीक्षित बोल रही हूँ। देखिए, मैंने माधुरी एम्पोरियम में सेल लगाया है, वहाँ पर कुछ गुंडे घुस गए हैं। उनके हाथ में पैसों से भरा हुआ बैग है और उनके बोलने से साफ जाहिर होता है कि वो चोर हैं। आप जल्दी से वहाँ जाइए और उन्हें पकड़ लीजिए। कितने? कुल मिलाकर 4 हैं। उन सब में एक चश्मे वाला बैटरी उन सबका उस्ताद है, उसे तो काले पानी की सजा दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। यार ये आपने ठीक नहीं किया यार। क्यों? झूठा चेक देना कानूनन जुर्म होता है, उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। क्या भाई, ये बोले तो अब उनका दुकान है। हाँ? जो चाहिए वो ले लो। लिया, लिया, लिया। यार खाली भी नहीं पैसे दिए। तो क्यों? और बंटू, तू इस धंधे में कब से आया? क्या?